हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं फिर एक बार एक नए प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी कमाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करूं, कॉम्पिटिशन ना हो और ऑर्डर भी लगातार मिलता रहे और साथ में प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए। बट इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए बात करते हैं, ये प्रोडक्ट है क्या और इसका बिजनेस क्या है। देखिए दोस्तों, ये है वाटर सॉफ्टनिंग सॉल्ट टैबलेट्स। इससे पहले नाम सुना था? अब आप कहेंगे ये तो पहली बार सुन रहा हूं, वाटर सॉफ्टनिंग सॉल्ट टैबलेट्स। जैसा नाम है वैसा काम। अब ये कौन सी टैबलेट होती है, ये कहाँ यूज होती है, कौन सी इंडस्ट्री में यूज होती है, कहाँ एक्सपोर्ट होती है और इसके क्या फायदे हैं, और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया के हर देश में यूज होती है, कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि लोग जानते ही नहीं इसके बारे में। तो अब इस ये है क्या और कहाँ यूज होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, ये पानी को जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर जो होता है वहां पे, उसको सॉफ्ट करने के काम आती है। अब हार्ड वाटर जो है उसको सॉफ्ट क्यों किया जाता है? देखिए दोस्तों, जो हार्ड वाटर है उसमें मिनरल्स बहुत ही ज्यादा होते हैं। अब अगर आप हार्ड वाटर यूज करते हैं, चाहे मैं कहूं मुझे नहाने के लिए यूज करना है, मुझे पीने के लिए यूज करना है, मुझे शैम्पू करने के लिए यूज करना है, मुझे बर्तन धोने के लिए यूज करना है, या सपोज कीजिए मुझे अपने वाटर डिस्पेंसर में यूज करना है, जैसे ऑफिसेज में वाटर डिस्पेंसर होते हैं उसके अंदर हार्ड वाटर ठंडा करने के लिए जाता है और एम्प्लॉय पानी पीता है। तो हार्ड वाटर के नुकसान क्या है? हार्ड वाटर में मिनरल्स ज्यादा होने के कारण, वो चाहे वो शरीर हो या चाहे किसी भी तरीके की कोई मशीन हो, अगर आप हार्ड वाटर का यूज करेंगे तो वो खराब करेगी ही करेगी। सपोज कीजिए हार्ड वाटर में से मैं नहा रहा हूं और इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इससे बाल झड़ेंगे, कोई ना कोई स्किन में प्रॉब्लम होगी, मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं अपनी गाड़ी साफ कर रहा हूं तो भी प्रॉब्लम आएगी, अगर मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा हूं तो कपड़े को भी प्रॉब्लम आएगी और मशीन की लाइफ भी ज्यादा नहीं रहेगी। आपने इससे पहले कभी सोचा था कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट होता है? बिल्कुल होता है। देखिए दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाए, नए बिजनेस के बारे में बताया जाए। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना है तो याद रखिए एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं और क्या क्या खासियत है इस वाटर सॉफ्टनिंग सॉफ्ट बॉल्स की। देखिए दोस्तों, इनकी खासियत ये है कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करती है। अब अगर मैं बात करूं यूएस की, यूएस में एक ऑर्गेनाइजेशन है ईपीए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, जो इस चीज का खास ध्यान रखती है कि ऐसा कोई वाटर जो शरीर के लिए या होम अप्लायंसेस के लिए नुकसानदेह ना हो। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये इफेक्ट करती है वाटर के अंदर, यानी अगर सपोज करो आप स्विमिंग पूल में जा रहे हो और हार्ड वाटर है तो आप बाल गवा बैठोगे। इसका यूज कौन करता है? फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। भाई सीधी सी बात है, अपने लिक्विड बनाने के लिए, अपनी मेडिसिन बनाने के लिए ये यूज की जाती हैं। फाइव स्टार होटल्स में जहाँ हार्ड वाटर आ रहा है उसको सॉफ्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। अगर मैं होम अप्लायंसेस की बात करूँ, डिश वॉशर की बात करूँ, या मैं कोई बर्तन धो रहा हूँ खास तौर से, चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर है, मैं उसको धोने के लिए यूज कर रहा हूँ, तो उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रहती। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हार्ड वाटर का। तो वर्ल्ड वाइड जितने भी अच्छे देश हैं, इंक्लूडिंग हमारी कंट्री भी, आप किसी फाइव स्टार होटल्स में जाएंगे, वहाँ पे अगर अपने कपड़े को धोने के लिए बोलेंगे, बर्तन साफ हो रहे होंगे या वहाँ पे पानी का यूज़ हो रहा होगा, तो ये वाटर सॉफ्टनिंग बॉल्स
जरूरी है सभी देशों के लिए, चाहे वो हमारा हो, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो या कहीं भी हार्ड वाटर का इस्तेमाल हो रहा हो। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है वाटर सॉफ्टनिंग बॉल्स का, नहीं हार्ड वाटर का। दोस्तों देखिए, अगर आप वॉशिंग मशीन में ये यूज करते हैं हार्ड वाटर, तो अगर वॉशिंग मशीन की लाइफ 11 साल है तो उसकी लाइफ कम होके 7 साल हो जाएगी, और अगर डिश वॉशर यूज करते हैं और उसकी लाइफ 10 साल है तो उसकी लाइफ भी लगभग आधी यानी 5 से 6 साल हो जाएगी। अगर आप टैप या शॉवर यानी नलके में या शॉवर में ये यूज कर रहे हैं तो टैप और शॉवर की भी लाइफ ये कम कर देता है, यानी अगर उस टैप की लाइफ 9 साल है तो लगभग 4 या 5 साल रह जाएगी। चाहे वो इलेक्ट्रिक वाटर हीटर हो, चाहे वो गैस वाटर हीटर हो, यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर आप यूज करते हैं तो उसकी लाइफ आधी हो जाती है इस हार्ड वाटर से। अब अगर मैं ये वाटर सॉफ्टनिंग बॉल्स का यूज करता हूं, चाहे वो घर पे करूं, ऑफिस में करूं, यानी जहां जहां हार्ड वाटर है तो वो उसे सॉफ्ट कर देगा, तो यानी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। क्या होता है जब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है प्लम्बिंग की, वो ज़्यादातर कारण यही रहता है कि हमारे यहाँ पे घरों में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो हार्ड वाटर के कारण ही हो रही है। लेकिन अगर मैं ये वाटर सॉफ्टनिंग बॉल्स यूज़ करता हूँ तो ये प्रॉब्लम नहीं रहती। ये कुछ ऐसे हिडन प्रोडक्ट हैं जो आपको सिर्फ हमारे चैनल में ही बताए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा रिसर्च डिपार्टमेंट है जो ये रिसर्च करता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं आपको कि अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है तो आपको एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं सिखाते, आपके लिए हमारी प्रोडक्ट सिलेक्शन की स्पेशल क्लासेस होती हैं जिसमें हम ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। चलिए बात करते हैं कि अगर मैं इसका बिजनेस करता हूँ तो कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन से कस्टमर मुझसे ये प्रोडक्ट परचेज करेंगे। दोस्तों देखिए, जहाँ जहाँ स्विमिंग पूल है वो लोग आपके कस्टमर हैं, चाहे वो क्लब्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, चाहे कोई अपार्टमेंट है, चाहे कोई 5-स्टार होटल है, यानी जहां पे स्विमिंग पूल होगा वो आपके बायर सबसे पहले हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसका इस्तेमाल करती है तो वो भी आपके कस्टमर हैं, 5-स्टार होटल्स हैं तो वो भी आपके कस्टमर हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को टारगेट करें तो वो भी आपके कस्टमर हैं, और अगर मैं बात करता हूँ पेपर की तो पेपर इंडस्ट्री भी आपकी बहुत अच्छी कस्टमर है। और अगर मैं बात करूं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की तो वहां पे भी ये यूज होता है। और ध्यान रख लीजिए, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स, देखिए जो लोग पेट पालते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है। क्या है, अगर हम हार्ड वाटर से पेट को पानी पिलाते हैं या पेट को नहलाते हैं तो पेट के बाल झड़ जाते हैं, स्किन एलर्जीज होती है, वहाँ पे भी ये प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। इसीलिए US और यूरोप में सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्ट यूज़ होता है, यानी पेट के पानी के लिए भाई उसको हार्ड वाटर देंगे पेट खराब हो जाएगा, और अगर हम भी अगर इस पानी को पिएंगे यानी हार्ड वाटर पिएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो मैक्सिमम जितनी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो पानी का बिजनेस कर रही हैं, चाहे आप अपने पेट को पानी पिलाना चाहते हैं या उसे नहलाना चाहते हैं, तो ये वाटर सॉफ्टनिंग बॉल्स बहुत ज़रूरी है। और ध्यान में रखिए कि इससे काफ़ी हद तक हमारे पेट की केयर होती है, उसकी हेल्थ बिल्कुल सही सलामत रहती है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो कौन से देशों में मुझे सबसे ज़्यादा डिमांड मिलेगी। इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट आपको हमारे हिंदुस्तान की कौन सी स्टेट से मिलेगा, और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी क्वालिटी इसकी इस्तेमाल होती है ताकि आप इस प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकें। अगर मैं बात करूं कि आपके लिए सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी रहेगी जिसको आपको टारगेट करना है, जहां आपको एक्सपोर्ट करना है, वो है US, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया,
न्यूजीलैंड, जर्मनी, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, यूएई, या मैं कहूं तकरीबन मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा देश आप टारगेट कर सकते हैं, या इन शॉर्ट बोलूं 100 से भी ज्यादा देशों में ये एक्सपोर्ट किया जाता है। अब बात करता हूं कि कौन सी स्टेट से ये आपको सस्ते रेट पे मिलेगी। अगर आप ये सस्ते रेट पे परचेज करना चाहते तो तमिलनाडु से आप इसको सस्ते रेट पे ले सकते हैं, गुजरात से ले सकते हैं, राजस्थान से ले सकते हैं, आंध्र प्रदेश से भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। अब कौन कौन सी क्वालिटी की ये वाटर सॉफ्टनिंग बॉल्स होती है जिनकी ज्यादा डिमांड है? दोस्तों, ये है वो क्वालिटी जिनकी सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड है। सबसे पहले है मॉडर्न सॉल्ट 1501 क्लीन प्रोटेक्ट सिस्टम सी, तो एक ये क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी है मॉडर्न सॉल्ट मॉडर्न F1247000G। तीसरी है मॉडर्न U66245 प्योर एंड नेचुरल। फोर्थ है कारगिल सॉल्ट 7304 वाटर सॉफ्टनर सॉल्ट। फिफ्थ है डायमंड क्रिस्टल और सिक्स्थ है प्रो रस्ट आउट वाटर सॉफ्टनर क्लीनर। तो दोस्तों, ये है वो क्वालिटी जिनकी मार्केट में डिमांड है, तो इन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं और आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, सबसे मेन चीज पर, अगर मैं इंडिया से ये प्रोडक्ट लेता हूं तो मुझे 200 से 500 रुपए के आसपास क्वालिटी वाइज रेट डिफर करते हैं, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। 25 किलो का एक बैग मिलता है और अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो 1200 से 2500 रुपए किलो तक ये बैग एक्सपोर्ट होता है। चॉइस आपकी है, दिल आपका है, बिजनेस आपका है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ऐसे ही देते रहें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो #AskCareerGuru टाइप करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।